Good morning. Good afternoon. This is Evangelist George Garcia, calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation, December 8th. Uh, you should have the time there. It's sponsored by uh, Christian uh, candlelight Christian Fellowship, excuse me, and uh, the Evangelist, uh, Pastor, a uh, chief author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards. I'm gonna pray for the sick. So bring your sick and I'm, I'm gonna pray over over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. खुदावंत की आवाज़ हमारा प्रोग्राम है इसमें खुश आमदीद कहते हैं और ख़ास तौर पे मैं अपनी सारी टीम का आ, नेशनल टीवी की सारी चैनल की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गहूँ खुदावंत इन सब को बड़ी बरकत दे और इस चैनल को कसरत के साथ खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे ताकि इनके वसीला से ज़मीन की इंतहा तक ऐसे लोगों तक ये पैगाम पहुँचे जो तारिकी में बसते हैं जो मौत के सए की वादी में हैं जो अभी तक मुश्किल परेशानियों मायूसियों और मौत के अंधेरे के अंदर हैं सो मैं आज खुदा का खादि हूँ तो तौर पर खुदावंद के उस कॉल की बात करना चाहता हूँ जो तारीकी में बचते हैं खुदावंद उनके लिए नूर पैदा करता है तो आज सुबह हमारी डिवोशन की जो तलावत है तौर पर यौहना की अंजील उसका आठवां बाप और बारहवीं आयत खास हमारी आयत होगी मुकदस में निकाय यसु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूं जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा मैं समझता हूं कि आज इस खूबसूरत वक्त में हम दुनिया के पर्सपेक्टिव को मौजूदा दौर को अगर देखें तो यीशु क्या है यसु कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूं जीसस ज द लाइट इन द डार्क वर्ल्ड यीशु जो है वो रोशनी है नूर है इस तारीख दुनिया में और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है इसलिए यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं अगर तुम मेरी पैरवी करोगे इफ यू फॉलो मी तो फिर आप अंधेरे में ना चलोगे बल्कि आप नूर ऐसा पाओगे जो आपको जिंदगी देता है लाइट ऑफ लाइफ आपको जिंदगी मिलती है सो so, इस डार्क वर्ल्ड में तारीख दुनिया में यीशु हमारे लिए नूर बनकर आए हैं सो so, ये अयाम जो हैं हम ये सेकंड वीक ऑफ एडवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम क्रिसमस की जानी बढ़े और मैं समझता हूं कि खास तौर पर एडवंट के ताल्लुक से जब एडवेंट सीजन स्टार्ट होता है तो हम फोर कैंडल्स को फोर एडवेंट संडेज़ के साथ जोड़ते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है और हर संडे एक कैंडल लिट की जाती है जिसका मतलब रोशनी है नूर है और फिर वो नूर किस तरह से तारीकी में चमकता है लोगों को पहली बात उम्मीद की शमा रोशन की जाती है फिर अमन की रोशन की जाती है फिर ख़ास तौर पर मोहब्बत की और इसी तरह से हम चार जो हैं इन कैंडल्स को जलाते हैं और पांचवी कैंडल पच्चीस तारीख को ख़ास तौर पे मसीह उदावंद की कैंडल उसके नाम के साथ डेडिकेट करते मुंसलिक करते हैं और उस कैंडल को जब रोशन करते हैं तो उसका मतलब है यीशु दुनिया का नूर है सो so, इस तरह से पूरी दुनिया में मेन लाइन चर्चेज में, में एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है एडवेंट कैंडल्स जलाई जाती हैं और पच्चीस तारीख को ऑन ट्वेंटी ऑफ दिसंबर द डे ऑफ क्रिसमस जीसस के नाम के साथ डेडिकेट करके मुंसलिक करके इस बात को रोशन किया जाता है इस बात का ऐलान किया जाता है कि यस्ु जो हैं वो दुनिया का नूर हैं इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया का नूर है हम खास तौर पर रूहानी तौर पर यसु मसीह को जब दुनिया का नूर कहते हैं तो इसका मतलब है कि मसीह बज़ात खुद रोशनी का मंबा है इस्ट इज द ऑरिजिन ऑफ लाइट वो खुद रोशनी का मंबा है जब पदाइश की किताब को क्रिएशनल वक्त में हम देखते हैं तो वहां पर खास तौर पे ये लिखा है कि खुदा ने तारीकी को रोशनी से जुदा किया यानी रोशनी और तारीकी को जुदा किया इसी तरह से हम देखते हैं कि ये खुदा की हजूरी का भी निशान है जो खुदा की मौजूदगी से खला की यानी स्पेस की वसत को भरने के लिए निकलता है सो so ये जो स्पेस है ये रोशनी उस वस्सत को भरने के लिए निकलती है उसी की रोशनी जो है वो हकीकत पर मबनी है सो so मसीह दुनिया का नूर है वो हकीकी और सच्चा नूर है जो दुनिया को और हर इंसान को रोशन करता है उसके अकली पहलुओं को रोशन करता है उसके सोच की वस्त को रोशन करता है उसकी निजत को रोशन करता है नूर के इलाहियाती जो मानी है वो क्या है हम इसे थलॉजिकल मीनिंग्स में जब देखते हैं तो बाइबल में नूर जो है वो रोशनी की अलामत है और इसका मतलब है कि हमेशा रोशनी जो है पाकिजगी नेकी इल्म हमत फजल और उम्मीद और खुदा के इलाहाम की अलामत है ये खुदा का इलाहाम भी है जिस तरह हम खास तौर पे इसके बरअक्स जो लिखा है कि जो तारीकी में चलता है उसको एक चैलेंज दिया गया है कि वो तारीकी में ना चले क्योंकि नूर उस पर चमका है क्रिसमस के मौका पर मैं समझता हूं कि हमें दो बातों को खास तौर पे सामने रखना चाहिए नूर और तारीकी को नूर का मतलब जिस तरह मैंने बयान किया है कि पाकिजगी नेकी हिकमत फजल उम्मीद और खुदा का इल्हाम है और इसके बरअक्स जब हम तारीकी की बात करते हैं डार्कनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब है बुराई गुना मायूसी और खास तौर पे मौत और की की बात की जाती है कि ये अपोजिट है नूर के जो लोग अभी तक मसीह उदावन को अपना शख्सी निजात कबूल नहीं कर रहे वो अभी तक तारीकी में बसते हैं वो अभी तक बुराई की दुनिया में बसते हैं वो तारीख दुनिया का हिस्सा है जिस तरह मैंने शुरू में ये कहा था कि जीसस इज द लाइट इन द डार्कनेस वर्ल्ड यीशु जो है वो तारीख दुनिया में नूर बन के चमके हैं और जो लोग अभी तक मसी के पास नहीं आए वो गुनाह की तारीकी में है वो बुराई की तारीकी में है वो मायूसी की तारीकी में है वो अफरा तफरी जो इस दुनिया में फैली हुई है बदअमनी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है वो इसके अंदर हैं वो पाताल को देख रहे हैं उनके पास उम्मीद नहीं लेकिन जो नूर को देखता है नूर क्या है वो मसीह खुदाम है वो कहता है मैं दुनिया का नूर हूं जो मसीह को देखता है जो मसीह पर ईमान लाता है वो मायूस नहीं रहता वो मौत की वादी में नहीं रहता वो तारीख दुनिया का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसके ऊपर नूर चमका है नूर उसके पास आया है और वो मौत की वादी से निकलकर लानत की वादी से निकलकर मायूसी के शिकंजे से निकलकर वो जिंदगी के उस पहलू में शामिल हुआ है जिसका वादा खुदाउन यस्सु ने किया था कि मैं आया इसलिए हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ ये नूर जो है ये जिंदगी देने वाला नूर है और जब हम खास तौर पे नूर की डेफिनेशन को देखते हैं तो नूर का काम क्या है डायरेक्शन देता है ये हमारी सिमत को दुरुस्त करता है सो तो नूर चमका है ताकि हम अपनी सिमत को दुरुस्त करें सीजन जो है यह हमें प्रिपेयर करता है हमें तैयारी का वक्त देता है हमें अपनी सिमत को डायरेक्शन को सीधा करने के लिए आगे बढ़ाता है जिस तरह ये साया नबी की आवाज को हम सुनते हैं कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है और यह पेशन गोई जो थी योहना के तालुक से की गई और यौहना खुद इस बात की वजाहत करता है योहना का पहला बाप अंजील का उसके पहले बाप की नौआयात में जब हम देखते हैं वो कहता है मैं नूर की गवाही देने के लिए आया और वो जिनके पास वो आया उन्होंने उसे कबूल किया और जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया योहाना के आगे अंजील में लिखा है कि जिन्होंने कबूल नहीं किया उनकी नीजत बुराई वाली थी उनकी नजत ठीक नहीं थी वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया खुदावंद दुनिया का खालिक और मालिक है वो हर एक का खुदा है वो कामिल खुदा है और ख़ास तौर पर हम जब यसु मसीह को इलाहियाती पस मंजर में नूर के तनाजुर में देखते हैं तो हम उसे कलमाए खुदा कहते हैं जो नूर बनकर आया है वो मुजस्म कलाम है वो नूर है जो तारीकी में चमका है तारीकी में बसने वालों के लिए मसीह खुदा जो है वो लाही उम्मीद है जिंदगी देने वाली रोशनी है और ख़ास तौर पर मसीह का नूर या तिजली जो है इलाही तोानाई ताकत या एक बहुत बड़ा असर है जो उस दुनिया में हुआ शागिदों ने उसकी गुवाही दी और पूरी दुनिया उसकी रोशनी की लपेट में आई अभी जो लोग बाकी हैं जो मुनाद हैं जो मुनादी करने वाले हैं मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ तरीकों से मेरी दुआ है कि वो इस असर को दुनिया में अपनी जात, अपनी शख्सियत के वसीला से लेकर जाए ताकि नूर की रोशनी जिस तरह मसीख खुदा ने कहा तुम दुनिया का नूर हो अब उस नूर को हमें छुपाने की जरूरत नहीं है हमें किसी को नूर को छुपाने के लिए हमें चिरागदान के नीचे नहीं रखना बल्कि उसे ऊपर रखना है ताकि हमारी रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचे और फिर लिखा है कि लोग तुम्हारी रोशनी को देखकर तुम्हारे खुदा की तमजीद करें सो हमें बतौर नूर बनकर चमकना है ताकि हमारे किरदार हमारे रवैये और हमारी सोच से खुदावंत की अंजील का पैगाम मुहब्बत का पैगाम कलमाए खुदा का पैगाम इबन खुदा का पैगाम इबन मरियम का पैगाम जो है वो दुनिया की इंतहा तक पहुँचे जो निजात का पैगाम है सुलह का पैगाम है अमन के शहजादे का पैगाम है और अमन के बानी का पैगाम है जो ये कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ मसीह की रोशनी क्या करती है मसीह की रोशनी इंसानों के लिए जो है वो बलाई पैदा करती है और वो भलाई जो है वो इंसानों को इम्प्रेस करती मुतासर करती है रूहुल कुदस हासिल करने का ये एक जरिया है कि जब हम उस रोशनी में आते हैं तो रूहुल कुदस को रिसीव करने के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं मलाकी नबी के सहीफे में जब नबुवतों की बात करते हैं तो पहली बात लिखी है कि रोशनी या नूर के तलू होने की तशबीहात और नबूवत के तालुक से मलाकी नबी फरमाते हैं दूसरे बाप की चौथी आयत में लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की तजीम करते हो आफताबे तला होगा उसकी किरणों में शिफा होगी जबूर उन्नीस उसकी चौथी आयत में लिखा है उसने आफताब के लिए उनमें खेमा लगाया है वो खेमा आदमियों के दरमियान है वो फजल और सिंचाई से मामूर है हजूरी और मस्कन का निशान है खुदा के वो उतरा है ताकि अपने लोगों को मायूसी से अफरा तफरी से मौत से पाताल से बचाए और जिंदगी दे और वो इसीलिए आया है कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और जबूर चरासी एक आयत में लिखा है क्योंकि खुदावन आफताब और सिपर है कौमों की वो अदालत करेगा वो बतौर बादशाह है फिर खास तौर पर लुका कंशी बयान के पहली बात की वर्स 78 को जब हम देखते हैं तो आल बाला का आफताब जो है हम पर तलु होगा और फिर दूसरे बाप में तीस आयत से बत्तीसवी आयत में हम देखते हैं मसीह खुदावंत के तीन पहलुओं की बात की जाती है कि ही इज द किंग ऑफ किंग्स वो बादशाहों का बादशाह है नंबर टू ही इज द प्रोफिट वो नबी है एंड थर्ड थिंग ही इज द ग्रेट प्रिस्ट वो जो है वो हमारा सरदार कहन है और जब हम खास तौर पे मसीह के नूर की बात करते हैं तो नूर फिर क्या करता है नूर मैंने पहले कहा कि ये हमारी डायरेक्शन को सेट करता है जब बाप की सफात को देखते हैं तो हम बेटे की भी सफात को देखते हैं खुदा बाप जो है जब मूसा से हम कलाम होता है तो मूसा उसके नूर की तजली को नहीं देख सकता तजली के बाद उस बाप को नहीं देख सकता लेकिन इकलौता बेटा जिसने बाप को जाहिर किया है वो हमारे पास उतरा है वो नूर बन के आया ताकि हम उस नूर की तजली को देख सकें जो खुदा की जात का नक्श है और उसकी सूरत का बर्ताव है हम उसे देखते हैं और खुदा की सफात क्या है कि बाप जो है पहली बात ओमनी सेंस कि वो जो है खुदा हर चीज से वाकिफ है वो सब कुछ शांत है, है दूसरी जो है ओमनी पुटेंस खुदा जो है कादर मुतलिक है ऑल पावरफुल उसके पास कुदरत और ताकत और इख्तियार है तीसरी बात जो है ओमनी बस खुदा जो है वो सुप्रीमली गुड बहुत और नित और शदीद किस्म से अच्छा और नफीस और हारे के लिए मुफीद है हमारा खुदा हमारे लिए मुफीद है कलम मुजस्म हर शख्स के लिए शिफा का ममा है यही लाही सफात को जब सीख उदावन में देखते हैं तो उसकी उलूहियत की बात की जाती है डिविनिटी और डीएटी की बात की जाती है ये फाइव करेक्टर्स हैं इस रोशनी के नूर के पहली बात जो है वो डायरेक्शन है सिमत जो हमारे सिमत हमारी डायरेक्शन सेट करते हैं नूर हमें हदायत और हमारी रहनुमाई के लिए है फिर हम उसके रंग की बात करते हैं उसके तकाबुल की बात करते हैं उसके ठोस सोने की बात करते हैं जो है ना बाप की पांचवी आयत में दोबारा इस बात का दावा किया जाता है जब जन्म के अंधे को शिफा यु बख्शते हैं क्या जब तक मैं दुनिया में हूं लिखा है कहा यीशु ने कि जब तक मैं दुनिया में हूं मैं दुनिया का नूर हूं ये हमें नौम बाप की उनतालीस आयत की तरफ रागब करती है ये बात जहां यीशु इसी तौर पर वजाहत करता है मैं इसलिए आया दुनिया में आया ताकि अंधे देखें तो खुदामंद ऐसे लोगों को जो अंधेपन के हालत में है खुदावंद उनको नूर देने आया है की आंखों को वाह करने आया है खोलने आया है ओपन करने आया है बेनाई देने आया है खुदा नूर है जमीन पर उसने रूहलकुद को भेजा जो ईमानदारों में सुकूनत करता है ताकि वो भी नूर हो जमीन पर हम उसके एलची और सफीर के तौर पर अपनी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं यीशु ने कहा तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमके सो हमें अपनी रोशनी को दूसरों तक लेके जाना है जो मसीह से पाई है उसने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि ये रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचे और हमारी रोशनी एक्टिव होनी चाहिए ना कि पैसिव हो उन्हें एक फाल सरगर्म ईमान के साथ इस रोशनी को ईमानदारों को चमकाने की जरूरत है ना कि गैर फाल और गैर सरगर्म ना हो मसीहियों को ये जरूरी है कि वो मसीह का प्रचार करें कि यसु दुनिया का नूर है ये नूर रूहानी है और इलाही है डिवाइन है और स्पिरिचुअल है ये रोशनी हर एक की जिंदगी में शरायत जब करती है शिफा भी आती है और अबदी जिंदगी के पैगाम में वो जकड़ी जाती है और फिर एक उम्मीद पैदा होती है और ये रोशनी जो है ये आलमगीर और ख़ास तौर पे इसकी बुनियादी अलामतों में से सबसे बेहतर है कि हम मसीह को इस तरह से समझें कि वो दुनिया का नूर है नूर नेकी का मंबा है वो नूर जो है वो नेकी करता है ताकि अंधों की आंखें खुली जाएं। हमें क्या करना है हमें उसकी पैरवी करनी है इसमें कायम रहना है दूसरों के लिए रोशनी बनना और ईमान में आगे बढ़ना है मैं खास तौर पर वी मस्ट रिसीव द लाइट ऑफ क्राइस्ट हमें मसीह की रोशनी को रिसीव करना है कैसे करें पहली बात प्रेंग एंड गॉड्स लाइट हमें दुआ करनी है और खुदा की मर्जी को तलाश करना है फिर पार्टिसिपेट इन द लाइफ एंड वर्शिप ऑफ द चर्च हमें कलीसियाई जिंदगी और इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए शमूलियत करनी चाहिए और हमारा अजम यह होना चाहिए कि हम अपने खुदा के साथ जुड़े रहें तीसरी बात जो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रिप्चर हमें सहीफों को पढ़ना कलाम को पढ़ना और इस पर ज्ञान ध्यान करना चाहिए गौरव खोज करना चाहिए चौथी बात जो है रिसीविंग कम्यूनियन ये जब हम मसीह का बदन है तो हमें जुड़े रहना चाहिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए मुंसलिक रहना चाहिए ताकि हम मिलकर मसीह के बदन का अमल जारी रखने के लिए हम होली कम्यूनियन में शराकत में रफाकत में मजबूत बनते जाएँ पांचवी बात ओपन आर लाइफ ट्रू द होली स्पिरिट हमें रुहलकुदस के लिए अपनी ज़िंदगी को खोलना है ताकि ये रोशनी और चमके चमके अपनी ज़िंदगी को रुहलकुदस के लिए आज खोलें और ख़ास तौर पे रोशनी ज़िंदगी में किस चीज़ की अमामत है हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की अमत है पहली बात रोशनी जिंदगी में खुशी की जॉय एंड दिस इज द टाइम ऑफ जॉय ये खुशी का वक्त है हम गीत गाते हैं इंग्लिश में कैरल है जॉय टू द वर्ल्ड हमें दुनिया में खुशी करनी है क्यों क्योंकि मसीहा पैदा हुआ है नूर चमका है आफताब तलू हुआ है और वो आफताब की रोशनी की किरणों से लोग शिफा पाते आफताब की किरणों से लोग ना सिर्फ शिफा पाते बल्कि उसमें से ज़िंदगी जारी और सारी होती है वो जिंदगी को हासिल करते हैं लोग जो हैं खुशहाली पाते हैं हमारे लिए रोशनी की अलामत जो है खुशहाली की है मसीह आना हमारे लिए अबदी खुशहाली की बात है और वसी मानों में कामिल वजूद की अलामत है कला में लिखा है कि खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है वो हमारे पास है वो उतरा है उसने बाप को जाहिर किया है वो फजल और सिंचाई से मामूर है वो तेजस्म से पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है कलाम मुजस्म हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ और हमारे दरमियान रहा हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के इकलौते का हमने उस जलाल को उस ग्लोरी को देखा है जो बाप का है और इकलौते बेटे का है दूसरी बात जो है ये जिंदगी की इलामत है दिस इज सिंबल ऑफ लाइफ और ये ना सिर्फ सिंबल है मैं समझता हूँ और इलाहियाती पायराय में ये कहना चाहता हूँ कि यीशु जिंदगी का मम्बा है ही इज द ओनली वन ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं यू वॉन्ट टू अपन फ्रॉम द डेथ अगर मौत से बचना चाहते हैं तो कम टू लाइट लाइट ऑफ द जीसस क्राइस्ट कम एंड वॉक इन द लाइट ऑफ द जीसस क्राइस्ट आप यीशु में चलें रोशनी में चलें तो आपको जिंदगी मिलेगी रूहानी होने की अलामत है ये रूहानी भी है लाफानी भी है ये ना खत्म होने वाली रोशनी है हमें रोशनी किस तरह बनना है मैं यहां पे इतलाक की बात करना चाहता हूँ इंप्लीमेंटेशन की बात करना चाहता हूँ रोशनी कैसे बने पहली बात जब हम कलाम का हिस्सा देखते हैं तो यस्ु को अमन का शहजादा कहा गया है ही इज पीस अमन को फ्रोग देना चाहिए अगर यस्ु सलामती का शहजादा है हम अब के अफरा तफरी के लोग हैं या अमन के बानी की पैरवी करते हुए यस्सु कहता है तुम मेरी पैरवी करो नूर की पैरवी करो तो हमें सलामती के शहजादे की पैरवी करनी है दूसरों को खुशी देना है अपनी खुशी भी दिखाएं दूसरों को उस खुशी से बांटें मस्ट शेयर योर जॉय विद अदर्स अगर यसु आपकी जिंदगी में पैदा हुआ है तो आपने उस पैदाइश का तस्करा किससे किया है दिस आवर हैिटी टू शेयर द जॉय विद अदर्स हम इस खुशी को दूसरों के साथ बांटें दूसरों के साथ शेयर करें फिर रिजॉय एंड बी ग्लैड इन इट हम इसमें शादमान हों खुशी करें ताकि रोशनी बन सके और ये रोशनी कायम रहे तमाम सच्चाई और खूबसूरती नेकी में हम रोशन होते जाएं रोशनी यादहानी करवाती है आखिरी बात कहने लगो को मसीह हमारी उम्मीद है क्राइस्ट इज द होप फॉर द डार्क वर्ल्ड मसीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तारीख दुनिया के लिए उम्मीद है और जो उम्मीद के पास आता है वो मायूस नहीं होता जो उम्मीद के साथ इस नूर में चलता है वो शर्मिंदा नहीं होगा बल्कि वो मौत से निकलेगा जिंदगी में दाखिल होगा अब दी बादशाह के पास जाएगा अब दी बादशाह में राज करेगा और मसीह हमारी उम्मीद है और हम रास्तबाजी, ईमान और अमन व सलामती की पैरवी करें आए मस्ट वॉक इन द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल खुदा आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे और इस नूर में चलने की तोफीक दे और यह क्रिसमस आप सबकी जिंदगी के लिए नूर की माने खुशी की मानद अमन की मानि बन जाए और ये आप दूसरों के साथ बांटे खुदाम सबको बड़ी बरकत दे खुदाबाप बेटे रोहल कुछ के नाम से आमीन गुड मॉर्निंग But I want to invite you to a Zoom presentation, December eighth. Uh, you should have the time there. It's sponsored by uh, Christian, kind uh, Christian Fellowship, excuse me, and uh, the evangelist, uh, pastor, a uh, chief author. So I'm looking forward to meeting you, and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm, I'm going to pray over over the internet you know God's not limited by the internet so I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus name amen